साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज हम बात करेंगे टिकट से रिलेटेड, यानी बात करें 22 मई 22 मई में कितनी कंट्रियों का शेड्यूल है इंडिया में फ्लाइट आने का, इंडिया में कौन से स्टेट पे पहुंचेगी और वहां से कौन से स्टेट से निकलेगी उन कंट्रियों से। ठीक है साथियों, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आपको पता है साथियों, पेज 2 23 मई को ख़त्म हो जाएगा और लगभग 30,000 बंदे 23 मई तक, यानी कल तक की ये डेट, ये 23 मई तक की डेट में ये बंदे रिकवर कर लिए जाएंगे। और आपको पता है साथियों, इंडिया में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें घरेलू जो यात्राएँ डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट होने की संभावनाएँ थी, और अगर डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट हो जाती 17-18 मई को तो उम्मीद करते थे भाई लास्ट महीने में इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्टार्ट होने की संभावना बन जाती। लेकिन कोरोना की जिस तरह से इंडिया में माहौल चल रहा है, आपको पता है मौतें 3,000 प्लस हो चुकी हैं, आंकड़े लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, शायद आज या कल में पहुंच जाएंगे। तो स्थिति भयावह देखते हुए सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए सभी फ्लाइट या ट्रेन्स या फिर जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें नहीं रह सके वो सिस्टम बंद करके रखे हैं और 31 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद में देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। तो आज हम बात करते हैं साथियों कि 8 कंट्रियों से 9 फ्लाइट आने वाली हैं 22 मई की डेट में। तो आप देख लीजिए कि आपके चांस कौन सी फ्लाइट में बन सकते हैं या आपके स्टेट में कितनी फ्लाइटें आने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। 22 मई को फर्स्ट फ्लाइट की बात करूं, यूएई दुबई से एक फ़्लाइट निकलेगी जो तेलंगाना हैदराबाद लैंड करेगी। जी हाँ साथियों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहाँ पे फ्लाइट लैंड करेगी हवाई अड्डे पे। 177 यात्री इसमें लगभग आएंगे, जिनको क्वारंटाइन सीधा 14 दिन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट फ्लाइट की बात करें साथियों, ये है मनामा बहरीन, यानी गल्फ कंट्रीज से बहरीन से रिलेटेड फ्लाइट है जो केरला से निकलेगी और तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डा है वहाँ पर यह फ्लाइट लैंड करेगी। इसमें भी लगभग 177 यात्री पहुँचेंगे। आगे हम बात करते हैं साथियों, मस्कत ओमान से एक फ़्लाइट है जो 22 तारीख को केरला से निकलेगी, कन्नूर पहुंचेगी। इसमें भी सेम इतना ही यही प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट फ्लाइट साथियों, गल्फ से रिलेटेड एक दोहा से है, कतर से रिलेटेड, जो फ्लाइट कर्नाटका स्टेट पहुंचेगी और बेंगलुरु लैंड होगी, जिसमें इतने ही यात्री हैं सेम टू सेम। एक फ़्लाइट साथियों 6 नंबर पे मलेशिया से दिया गया है, इसमें दिल्ली के लिए, लेकिन इसमें बीच में छोड़ा हुआ है, कुछ जानकारी कंप्लीट नहीं है। हो सकता है मलेशिया से दिल्ली के लिए फ़्लाइट हो 22 मई की। तो भाई मलेशिया वाले हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, अपने स्तर पे इंक्वायरी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फ्लाइट बात करते हैं साथियों, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से ये फ़्लाइट निकलेगी जो पंजाब अमृतसर पहुंचेगी। साथियों पंजाब ये फ़्लाइट आने वाली है, क्योंकि आपको पता है भाई यूरोपीय कंट्री में ज़्यादा पंजाबी लोग, हरियाणवी लोग ये भी ज़्यादा रहते हैं। तो एक फ़्लाइट पंजाब को दी गई है, अमृतसर लैंड करेगी 22 मई की डेट में। एक फ़्लाइट साथियों नेक्स्ट हम बात करते हैं, जकार्ता से फ़्लाइट निकलेगी इंडोनेशिया। नेक्स्ट फ़्लाइट की बात करते हैं साथियों, इंडोनेशिया जकार्ता से जो फ़्लाइट निकलेगी वो कर्नाटका बेंगलुरु लैंड करेगी। जी हाँ साथियों, बेंगलुरु जो बड़ा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहाँ पर ये फ़्लाइट लैंड करने वाली है। आगे बात करते हैं साथियों, 8 नंबर फ्लाइट पे एक है इंडोनेशिया से बेंगलुरु, केरला और कोची, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हो सकता है ये कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है या फिर सबकी मिक्स में इसमें यात्री आने वाले हैं, ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन इंडोनेशिया से बेंगलुरु, केरला, कोची, ये 3 ऑप्शन इसमें शामिल है। नेक्स्ट फ्लाइट की बात करें भाई, कनाडा की राजधानी जो टोरंटो है वहाँ से जो फ्लाइट लैंड करेगी दिल्ली पहुँचेगी 22 तारीख को, सबसे लास्ट फ्लाइट ये दी गई है। तो मेरे हिसाब से साथियों फ़्लाइट से रिलेटेड 22 तारीख की 22 मई की डेट में ये ही फ़्लाइट है, 8 कंट्रीज़ की 9 फ्लाइट है। ठीक है साथियों, बस 22 मई की मैंने आपको डिटेल दे दी, 23 मई से रिलेटेड जो भी है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, जिससे आप पूरी जानकारी मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।